आई एम गोइंग टू मेक ए वॉल हैंगिंग। कार्डबोर्ड पर मैंने फिश ड्रॉ की, उसे कट किया। अब एक और कार्डबोर्ड लिया मैंने, उस पर एक और फिश ड्रॉ कर रही हूँ। जस्ट ट्रेस इट। Now cut it neatly, paste it. यहाँ मैंने फेविकॉल लिया और इसको लगाया। मैं यहाँ सुतली पेस्ट कर रही हूँ। सुतली पेस्ट करते समय ध्यान रखना है, वो एक थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है, फिर वो पेस्ट हो पाती है आसानी से, क्योंकि फर्स्ट लाइन है उसी में थोड़ा सा लग रहा है, उसके बाद तो सारे सारे पूरा पेस्ट हो जाएगा आराम से। बीच में मैं कट कर दूंगी। देखिए मैंने बीच में एक्स्ट्रा लगाया यहाँ तक, बस इसको मैं अब कट कर रही हूँ। अब यहाँ से मैं पूरा फिर इसको लपेटूंगी। जैसे हम किसी कपड़े में भी करते हैं या स्वेटर बुनते हैं, तब भी हम इस तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, चौड़ाई का। और सेम उसी तरीके से बस आपको नीटली प्रेस करते जाना है, पेस्ट करते जाना है, और ये किनारा दिखना नहीं चाहिए, वो छुप जाए। इतनी सफाई से पेस्ट करना है कि वो दिखना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा आपको अच्छे से दिख जाए। ये मैं पेंसिल से दिखा भी रही हूँ आपको, और ये इक्वल साइज के मैंने स्ट्रिप्स सारी ये काटी हैं। अब इसके फिश के स्केल में बना रही हूँ। इनको भी आपको एक दो सेकंड होल्ड करके रखना है, नहीं तो फिर छूट जाता है। एक बार पेस्ट हो गया फिर तो टाइटली पेस्ट हो जाएगा। टोटली बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट इसको बोलेंगे, क्योंकि आजकल हर पैकिंग में ही आता है सामान, कहीं से भी ऑर्डर करो तो वही कार्टन है। और सुतली आप के घर में हो भी सकती है, नहीं भी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो होती नहीं, आप आराम से परचेज कर सकते हैं। अब ये डबल्स है ये फिश। अब इसके चारों तरफ मैं एक पूरी इसकी लेयर लगा रही हूँ सुतली की। यहाँ पर स्केल से टाइटली कर देना है अंदर, हर कॉर्नर पर और हर जो
अंदर की साइड है उसका ध्यान से जो कॉर्नर है वहाँ आप उसको अच्छे से होल्ड करके एक दो सेकंड रखेंगे तो कॉर्नर बन जाएगा। यहाँ स्केल से आप इसको प्रेस कर दो। ये इसका दूसरा साइड है। जो भी आप लूप लगा रहे हैं वो ध्यान रखना है वो फिश के डिज़ाइन से बाहर ना निकले। थोड़ा सा भी बाहर है तो आप अंदर की तरफ कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो एक साइड में फेविकॉल लगा कर चाहें, क्योंकि वो फिश का डिज़ाइन नहीं चेंज होना चाहिए। और ऐसे ही अब पूरा बनता जा रहा है। हाँ, जैसे मैंने साइड कर दिया ना, इसी तरीके से क्योंकि जो भी सुतली है वो बाहर निकलेगी तो फिश का डिज़ाइन अच्छा नहीं रहेगा। ये जो भी मैं चारों तरफ इसको लीगी लाइन बना रही हूँ इसको स्केल से सेट कर देना। ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर शेप में। आपने गीला है अभी, मैं लपेट दिया मैंने, अब उसके बाद प्रॉपर शेप में कर देना है। किसी भी स्केल फिंगर्स या फिर पेंसिल वगैरह की हेल्प से जैसे भी आप कर सकें, क्योंकि नीटनेस कंपल्सरी है तभी सुंदर लगेगा। अब मैंने सुतली का थोड़ा सा रोल बनाया फ्लैट और उसको मैं आइज बना दी। मैंने देखी इतना सुंदर लग रहा है। ऐसे यहाँ भी कॉर्नर में आपको होल्ड करना है कुछ सेकंड के लिए जिससे कॉर्नर बना रहे प्रॉपर। ढील भी ना छूटे सुतली में और टाइट खींच के भी नहीं रखना, जैसा शेप है वैसे ही शेप में रहे। और आप भी ऐसी कोई चीज़ें बनाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और कोई आइडिया हो आपके पास वो शेयर कर सकते हैं, और कैसा लगा वो बताएंगे तो मुझे भी आगे पता रहेगा कि हाँ आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं। और ये बच्चे ये सब चीज़ें करते हैं तो कोई भी, बड़े भी करते हैं या बच्चे भी, तो कुछ टाइम तो वो मोबाइल से और गेम से थोड़ा सा तो दूर रह पाते हैं इससे, क्योंकि फिर एक टास्क रहता है कि कंप्लीट करना है और फिर अपना घर अपने हाथ की बनी हुई चीज़ों से सजाओ तो उसका मज़ा भी अलग आता है।
आप गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को भी। सच में बनने के बाद बहुत सुंदर लग रही है ये। अभी बाहर की साइड में लगा रही हूँ, यहाँ थोड़ा सा गत्ता चमक रहा है। की कार्डबोर्ड बिल्कुल ना चमके वो ज्यादा बेटर है। तो इस साइड में 4 लेयर हो गई हैं और अंदर की साइड में 3 लेयर सुतली की है। यहाँ भी लगाते समय ध्यान रखना है कि चाव भी नहीं होना चाहिए और ढील भी नहीं छूटनी चाहिए। लिप्स का शेप चेंज ना हो ये भी ध्यान रखना है कि जो आपने ड्रॉ किया है, कट किया है, उसी शेप में सुतली लगी हो। जैसे मैं हर कॉर्नर पर आप देख रहे हैं ना कि मैं होल्ड कर लेती हूँ कुछ सेकंड के लिए, जिससे वो कॉर्नर का शेप आ जाता है। अभी मेरी फिश देखिए पूरी रेडी हो गई है। ये फाइनल टच है। अभी दोनों साइड से पूरी रेडी हो गई है, बस इसको हैंग करना बाकी है। हैंग करके आप कहीं पर भी इसको हैंग कर सकते हैं, डोर के सेंटर में, कहीं पर भी, क्योंकि दोनों साइड से बनी हुई है ये।